ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां का हर एक बासी बहुत खुशहाल था। इस गांव का नाम था बदलापुर। लोग इसकी खुशहाली की मिसाल दिया करते थे। वहां एक मेहनती और बहादुर किसान बशीर रहा करता था। क्या हुआ मेरे बेटे, क्या हो गया, कहाँ से आ रहे हो? बाबा जी, मैं दोस्त के साथ खेल रहा था। हाँ बेटा, खेलना कूदना भी अच्छी बात है, मगर मैं चाहता हूँ कि आप जो हो पढ़ लिख के अच्छे आदमी बनो। जी बाबा। मगर ये खुशी ज्यादा देर तक बरकरार ना रह सकी। बल्लू। जी सरकार। मेरा मूड हो रहा है जमीन देखने का। जी चले सरकार, अभी चलते हैं। चलो चले। सरकार, ये वो जमीन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। बल्लू। जी सरकार। जमीन मुझे बहुत पसंद आई। बल्लू, तुम मेरे सच्चे वफादार। शुक्रिया सरकार। लेकिन सरकार, एक मसला है, ये जमीन बशीर की है और वो बहुत जिद्दी आदमी है, वो कभी नहीं मानेगा। बल्लू। जी सरकार। जो चीज बख्तावर को पसंद आ जाए वो बख्तावर लेकर ही रहता है। बिल्कुल सरकार, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों ना हो। सरकार, मेरे ख्याल में बशीर को हमें उताक पे बुलाना चाहिए। सही है, चलो सरकार। चलो। यह है वो बशीर, इसकी वो जमीन है। बहुत खूब, बहुत नाम सुना तुम्हारा, आज देख भी लिया। काम क्या है साहब? मुझे तुम्हारी जमीन चाहिए। मगर किस लिए? बशीर, मैं चाहता हूँ कि इस इलाके की तरक्की के लिए यहाँ एक फैक्ट्री बनाओ। हमें किसी भी फैक्ट्री की जरूरत नहीं, और मैं अपनी जमीन किसी भी हालत में नहीं बेचूंगा। और जो चीज मुझे पसंद आ जाए वो मैं लेकर ही रहता हूँ। इस कीमत पर भी नहीं? ये दौलत का गुरूर किसी और को दिखाना था। तुम पागल हो गए क्या? अपनी जिद की खातिर इतनी बड़ी दौलत को तुम ठुकरा रहे हो। बहुत
पछताओगे। ये रास्ता सीधा शहर को जाता है, ये सौदेबाजी किसी और के साथ करना साहिब। चलो बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। बशीर बाबा जान, ये क्या गजब कर दिया सरकार? जो चीज मेरी नहीं किसी की नहीं।